दोस्तों, क्या आपको या फिर आपके घर पे भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है और डाइट और एक्सरसाइज के अलावा भी आप एक आसान तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकें? तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया हर्बल मेडिसिन के बारे में बता देता हूं। और ये मेडिसिन है दिव्या फार्मेसी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड लिपिडॉम। इस वीडियो में ना सिर्फ लिपिडॉम का हमारी बॉडी पे क्या असर होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, बल्कि हम आपके साथ कुछ ऐसी जबरदस्त टिप्स भी शेयर करेंगे जो कि एक व्यक्ति के हार्ट मसल्स को मजबूत करने में, उसकी आर्टरीज को अनक्लॉक करने के लिए और ओवरऑल उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक तो जरूर बने रहें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद का एक यूनिट है जो कि इनके लिए हर्बल मेडिसिन बनाने का काम करता है। इस एक पैक के अंदर आपको करीब 60 टैबलेट्स मिल जाएंगी और इस पैक की जो कॉस्ट आती है वो है ₹300। ये मेडिसिन काम कैसे करती है, इस चीज को जानने के लिए हमें इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेन, उनको अच्छे से जानना होगा। तो सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल के अंदर बहुत सारे कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी वाले प्लांट कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये सारे फाइटोकेमिकल्स हमारे हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने में, फैटी ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हमारे स्ट्रेंथन अप करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे कि एलिसिन के नाम से जाना जाता है। एलिसिन में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। यह कंपाउंड हमारे शरीर में खून को पतला करने का और ब्लड वेसल्स को क्लीन करने का काम करता है और इसका सीधा प्रभाव हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने पे पाया गया है। तीसरा मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे कि जाना जाता है बीटा कैरोटीन के नाम से। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की अगर सूजन हो उसे कम करने में बहुत मदद करता है और इस चीज का खासकर हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और साथ में इस कंपाउंड का हमारे इंसुलिन रिस्पांस के ऊपर भी बहुत अच्छा असर देखा गया है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए भी दालचीनी बहुत अच्छी रहती है। चौथा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है गुगुल। गुगुल एक प्रकार की गोंद होती है जिसे कि सदियों से आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत प्रकार की हेल्थ कंडीशंस में उन्हें ठीक करने में इसका इस्तेमाल करा जाता रहा है। गुगुल को हाइपरलिपिडीमिया जो कि एक मेडिकल टर्म है एबनॉर्मली हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल के होने का, गुगुल में मौजूद फाइटोकेमिकल्स इस कंडीशन को रिवर्स करने में हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। पांचवा मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर है लौकी का सत्व। दोस्तों, लौकी के अंदर भी ऐसे प्लांट कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में भी इनका बहुत ज्यादा कामयाब प्रभाव पाया गया है। तो अगर एक साल में कहा जाए दोस्तों, तो लिपिडॉम एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है उन लोगों के लिए जो कि अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना चाहते हैं, जिनको अरिथमिया की शिकायत रहती है यानी कि दिल के धड़कन तेज रहने की शिकायत रहती है। अगर आप काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों को भी लिपिडॉम का सेवन जरूर करना चाहिए। मैं पर्सनली खुद इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूं और मुझे अपनी बॉडी के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा असर भी दिखा है। इसके अलावा हार्ट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें होती हैं जिनका कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर हम अपने हार्ट मसल्स और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बढ़िया कंडीशन में रखना चाहते हैं। तो पहली चीज ये है कि आपको अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में एक्टिव होना होगा। जितना ज्यादा एक व्यक्ति बैठा रहता है उतना ही उसके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पुअर होती है। इसी के ऑपोजिट जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो पाती है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो हमारे हार्ट मसल और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। दूसरा, जितना हो सके उतना कम ऑयल को कंज्यूम करें। ज्यादा जंक फूड, फ्राइड फूड या फिर किसी भी प्रकार के ऑयली स्टफ को खाने का बहुत बड़ा रीजन देखा जाता है आर्टरीज के क्लॉग यानी कि नाड़ियों में प्लाक और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर। इसलिए ऑयल जितना कम खा सके उतना ही बढ़िया है। तीसरा, अपने खाने में से शुगर यानी कि चीनी को भी पूरी तरह से दूर कर दीजिए। बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज में चीनी का भी हमारे बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के ऊपर असर देखा जाता है, इसीलिए चीनी जहां तक हो सके हमें कम खानी चाहिए और हो सके तो इसे बंद कर देना चाहिए। और आखिरी, एक नियम बदल लीजिए कि रोजाना आपको करीब 20 से 25 मिनट की वॉकिंग तो जरूर करनी है। रेगुलर वॉक से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है, तेज बनता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, एक व्यक्ति का डाइजेशन इम्प्रूव होता है और इसका सीधा असर हमारी बॉडी में फैट बर्निंग के ऊपर भी देखा जाता है। तो दोस्तों, इस टैबलेट के साथ इन टिप्स का भी आपको नियमित रूप से पालन करना चाहिए। अपने हार्ट मसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम
और ओवरऑल बॉडी को ऑप्टिमल कंडीशन में रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से इस टॉपिक के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करिए और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पहुंच सके। हम जल्दी ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।